करिए। लाइक टू ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे। मैं हूँ श्रद्धा, आप देख रहे हैं इंडियन ब्लॉगर श्रद्धा विद ट्विंस। और अभी बज रही है शाम की 4 और मैं जा रही हूँ बाहर सब्जी लेने के लिए, क्योंकि सब्जी तो बहुत दिन बाद सब्जी लेने के लिए निकली हूँ। मतलब मुझे 8 दिन बाद मैं आई हूँ सब्जी लेने के लिए, क्योंकि कोविड के केसेस कुछ ज़्यादा ही थे ना, तो 6-7 दिन की सब्जी एक ही साथ में लेकर आ गई थी। तो बाहर रोड पे पब्लिक जो है ना वो भी कम ही है, मतलब गाड़ी जितनी चलनी चाहिए ना हमेशा, मतलब काफ़ी ज़्यादा रश रहता है इस टाइम पे तो, लेकिन अभी तो बहुत ही, मतलब कहीं कहीं एक दो गाड़ी। तो रोड पर तो बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी, लेकिन सब्ज़ी मंडी में काफ़ी भीड़ थी, तो मैंने वहाँ पर बिल्कुल भी व्लॉग शूट नहीं किया। और बस अभी फटाफट सब्ज़ी लेके घर पर आ गई हूँ, आगे खाने की तैयारी भी करनी है। तो उसके पहले एक बार और खाने में आज आपके साथ में शेयर करूँगी 1 पॉट रेसिपी, और बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। व्लॉग को पूरा देखना, मतलब कि रेसिपी को पूरा देखना, आपको पसंद भी आएगी, जल्दी भी बनकर तैयार होती है और बिल्कुल राजस्थानी स्टाइल में बनाऊंगी। और रेसिपी का नाम बता देती हूँ, मैं बना रही हूँ राजस्थानी स्टाइल में दाल ढोकली। 1 पॉट रेसिपी है, जब भी कम टाइम हो या कुछ भी घर में सब्जी वगैरह नहीं होती है ना, तब आप ये रेसिपी बना के ज़रूर ट्राई करें, खाने में टेस्टी लगती है। वैसे कई लोग बनाते हैं, लेकिन हाँ मेरा बनाने का तरीका कुछ अलग है, तो मैं मेरे तरीके वाली रेसिपी जो है आपके साथ में शेयर करूँगी, आपको पसंद आएगी, एक बार ट्राई ज़रूर करना। लेकिन हाँ, उसके पहले जितनी भी सब्ज़ियाँ लाई थी ना, वो सारी वॉश करके रख देती हूँ, क्योंकि बाहर की चीज़ों को बिना धोए हुए रखना थोड़ा सा रिस्की है अभी इस टाइम पर। तो पहले सारी सब्ज़ियों को अच्छे से धो के और एक कपड़े के ऊपर फैला दूँगी, ताकि रात भर वो सब्ज़ियाँ पड़ी रहेगी ना, तो अच्छे से सूख भी जाएगी और फिर मॉर्निंग में उसको मैं मैनेज कर दूँगी। तो दाल ढोकली बनाने के लिए मैंने ली है मूँग की दाल, और हाँ कुछ लोग जो है उसको उड़द की दाल में भी बना देते हैं, लेकिन मेरे घर के अंदर उड़द की दाल वाली दाल ढोकली कम खाना पसंद करते हैं, क्योंकि दाल थोड़ी सी चिकनी हो जाती है। तो मैं ये छिलके वाली जो मूंग की दाल है उसी की बनाती हूँ। तो आधी कटोरी मैंने दाल को अच्छे से वॉश कर दिया है और उसमें पानी डाल के थोड़ी सी देर भिगोने के लिए रख दिया है। तब तक मैं ढोकली के लिए आटा तैयार कर रही हूँ। तो 3 कटोरी मैंने आटा लिया है, नॉर्मल जो गेहूं का आटा है वही आटा लिया है, और उसमें डाला है थोड़े से मसाले, लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा सा डाला है नमक, थोड़ा सा डाला है जीरा, हाथ से क्रश करके डालना है, और थोड़ा सा डाला है अजवाइन। कोई मोयन या कोई भी खाने का सोडा आपको डालने की ज़रूरत नहीं है, बस सभी मसालों को अच्छे से पहले आटे के अंदर मिक्स कर देंगे, और उसके बाद में थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते जाएंगे, और एकदम टाइट आटा लगाना है, जैसे आप रोटी का आटा लगाते हैं ना वैसा नहीं लगाना है, थोड़ा सा आपको उससे टाइट आटा। एकदम टाइट आटा लगकर तैयार है, थोड़ा सा तेल लगाकर उसको रेस्ट करने देंगे, और तब तक हम तड़के की तैयारी करेंगे। तो तड़के के लिए मैंने लिया है हैंडफुल जो मूंगफली के दाने होते हैं, वो आपके पास में रोस्टेड दाने हैं तो वो भी ले सकते हैं, और बस उसको इस तरह से एकदम पूरी तरह से आपको ग्राइंड नहीं करना है, एकदम कोर्सली ग्राइंड करना है, और उसके बाद में इसके छिलके जो है आप चाहे तो निकाल दें, मैंने नहीं निकाले हैं। और दाल ढोकली जो है वैसे मैं कुकर में बना रही हूँ, आप कढ़ाई में भी बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। उसमें डाला है मैंने थोड़ा सा तेल, और डाला है हींग, राई, ज़ीरा और थोड़ी सी सौंफ। सौंफ का दाल ढोकली में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, तो इसको आप स्किप ना करें। और बस ये जब अच्छे से फ्राई हो जाएगी, तब इसमें डाली है मैंने 1 साबुत लाल मिर्ची, और उसको भी हम अच्छे से फ्राई कर देंगे। गैस की आंच आपको एकदम कम रखनी है, कम आंच पे ही सभी मसालों को पकाएंगे। फिर डाले थे मैंने 8 से 10 करी पत्ते, और जो मूंगफली के दाने हमने क्रश किए थे वो भी इसके अंदर डाल के रोस्ट कर लेंगे। तो सभी मसाले अच्छे से रोस्ट हो गए हैं, अब हम थोड़े से सूखे मसाले डालेंगे। तो उसमें डाला है मैंने थोड़ा धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, और थोड़ा डाली है हल्दी। बस उसके बाद में थोड़ा सा पानी डाल के
ऑयल जो है वो रिलीज़ कर दिया है, यानी कि मसाला हमारा पूरी तरह से तैयार है। अब इसके अंदर डाला है मैंने पानी, तो पानी का रेशियो ये रहता है कि एक कटोरी यदि आप डाल लेते हैं तो उसमें आपको कम से कम 8 से 10 कटोरी पानी डालना है। पानी ज़्यादा इसलिए डालेंगे क्योंकि हम आगे इसके अंदर ढोकली भी ऐड करने वाले हैं, तो इसी पानी के अंदर वो ढोकली भी पकेगी, इसलिए पानी की क्वांटिटी आपको ज़्यादा रखनी है। तो बस अभी सभी मसालों को और पानी को अच्छे से हिला देंगे। और अब इसके अंदर डाली है मैं थोड़ी सी शुगर, सभी मसालों को बैलेंस करने के लिए शुगर डाली है। यदि आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है मीठा खाना तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन हाँ थोड़ी सी शुगर और थोड़ा सा नींबू डालने से ढोकली जो है वो काफ़ी टेस्टी लगती है। बस अच्छे से हिलाने के बाद में इसको ढक कर हम पानी को बॉईल होने देंगे और तब तक हम ढोकली की तैयारी करते हैं। तो आटा हमारा एकदम परफेक्टली तैयार हो गया है और हम इसकी ढोकली बनाएंगे। ढोकली जो है वो अलग अलग स्टाइल में बनाते हैं, किस तरीके से बना रही हूँ मैं आपके साथ में वो शेयर कर रही हूँ। तो जितना भी आटा है उसका मैंने 5 बड़ी बड़ी सी लोई कर दी है, यानी कि जैसे आप रोटी की लोई करते हैं ना उससे थोड़ी सी बड़ी साइज़ में, और उसके बाद में जितना आप उसको पतला बेल सकते हैं उतना पतला बेल लेंगे। तो बेलने के लिए सूखे आटे का यूज़ नहीं करना है, नहीं तो आगे ढोकली को कट करने में प्रॉब्लम होती है। तो मैंने उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाया है और फिर लोई रख दी, और उसके बाद में थोड़ा सा पतला उसको बेल लेंगे। बाद में चाकू से मैं कट कर रही हूँ, मैं बिल्कुल छोटी छोटी सी ढोकली बना रही हूँ ताकि खाने में, बच्चे भी हैं तो खाने में थोड़ा सा इजी हो जाता है। आप यदि बड़ी साइज़ की खाना पसंद करते हैं तो आप इसको बड़ी साइज़ में भी कट कर सकते हैं। तो दाल का पानी बहुत ही अच्छे से बॉईल हो गया है, इस बॉईल पानी के अंदर हम सारी ढोकली ऐड कर देंगे। और इस तरह से मैं एकदम जो फ्लैट स्पैचुला है उसे एक साथ में बहुत सारी ढोकली डाल रही हूँ, कोई टेंशन की बात नहीं है। बॉईल पानी के अंदर जब हम ढोकली एक साथ में डालते हैं ना तो जैसे जैसे बॉईल होगी वो सारी सेपरेट हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी इसके अंदर हमने कट लगा दिए हैं। ढोकली ऐड कर दी है, अब कुकर का ढक्कन लगा के हम 3 से 4 सीटी आने देंगे। तो 3 से 4 सीटी आ गई है, सारा प्रेशर जो है वो निकल गया है। और अब हम खोल के देखते हैं तो दाल ढोकली बिल्कुल परफेक्टली बनकर तैयार है। 15 से 20 मिनट लगते हैं और एकदम परफेक्ट ढोकली जो है वो तैयार हो जाती है और खाने में टेस्टी तो लगती ही है। तो फ्रेंड्स एक बार ये रेसिपी ज़रूर डॉक्टर ये बनेगी, ठीक है, सबसे छोटी वाली डॉक्टर, डॉक्टर दीपशिखा, ठीक है। नर्स बोलो तो सही, नर्स आप भी थोड़ा सा
खुशला मेरा क्या नाम है? शदांती। शदांती है। और इस लड़की का क्या नाम है? खुशला। खुशला नहीं नहीं रियल रिशला का नाम पता चल गया। खुशला का क्या नाम है? दीप्तिका। 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 और लाइक करिए। लाइक करिए। हो किसने सिखाया दीप्तिका को ये लाइक करिए? हाँ खुशी किसने बोला? और ठीक है चलो एक बार बोल दो कि आंटी के वीडियो अच्छे लगे तो हाँ अच्छी लगे तो बहुत 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 सारे लाइक कर देना। हाँ बहुत सारे लाइक कर देना। और चैनल को लाइक करे, चैनल को सब्सक्राइब करे। और दीप्तिका को तो सब कुछ आता है, कहाँ से सीखती है रे? हाँ कहाँ से सीखी आई?